बताती है कि आपकी स्किन, मतलब एक चाइनीज लड़की होती है, बहुत सारी वीडियोस में चाइनीज लड़की होती है, पता नहीं चाइनीज है जापानीज, आई थिंक चाइनीज, तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा बुरी होती है कंडीशन, जैसे कि बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, टेक्सचर स्किन बहुत ज्यादा होती है, रुखी सुखी सी त्वचा होती है, ठीक है। और फिर उनके थोड़े से फेस के हिस्से में एक जेल लगाते हैं या फिर ग्रीन कलर का एक मास्क लगाते हैं, ठीक है। बहुत वीडियोज ऐसी वायरल है, वो लगाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर काले काले दाने से निकल आते हैं, ऐसा लगता है कि स्किन के अंदर बहुत सारे ब्लैकहेड्स जमे हुए हो और वो उस क्रीम की वजह से बाहर उभर करके आ जाता है। और जैसे ही टिश्यू से वो क्रीम को वाइप आउट करते हैं ना, स्किन एकदम सॉफ्ट स्मूथ, इतनी अच्छी हेल्दी क्वालिटी की स्किन हो जाती है कि विश्वास ही नहीं होता यार, सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज फेल, सारे डॉक्टर्स फेल। ऐसा होता है क्या देख करके, यही दिमाग में सवाल आता है, आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा ना, इसलिए मैंने मंगवाया है ग्रीन मास्क। सो इस वायरल हैक को टेस्ट करने के लिए मैंने ग्रीन मास्क मंगवा लिया है, जो कि इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसको कैसे लगाना है, एंड चलिए लगा के देखते हैं। इसको खोल के दिखाती हूँ मैं पहले आपको, मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है ताकि आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन में अपना शेयर कर सकूं। सो इस तरीके की क्यूट सी पैकेजिंग में आता है एंड जिसका इंतजार था तब से, ये देखो मैंने यूज नहीं किया है, इस तरीके से कवर है, कुछ ऐसा सा दिखता है, बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है आपको ग्रीन मास्क। इसकी फ्रेग्रेंस में ग्रीन टी का एसेंस है। तो गाइस हियर वी आर, आप लोगों के लिए मैंने ये मंगवाया क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि आप ये वाला वायरल हैक टेस्ट करके बताओ, मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, मेरी स्किन को सूट करेगा नहीं करेगा, स्किन वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी या बहुत खराब हो जाएगी, मैं ये रिस्क ले रही हूँ ताकि आपके मन में जितने सवाल हो इससे रिलेटेड वो दूर कर पाऊं मैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे फॉलो कीजिएगा, आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे चेहरे पे 15 मिनट तक लगा के रखना है और उसके बाद धो देना है। ये मैंने अपने हाफ फेस पे लगा लिया है, मैं 15 मिनट तक वेट करूंगी एंड देन देखती हूँ ये कैसा लगता है। वैसे इसको लगाते कुछ सेकंड्स हुए मुझे और मेरी स्किन में यहाँ पे बहुत इरिटेट हो रही है, मतलब थोड़ी जलन सी हो रही है इस वाले हिस्से में, बस ये इतने वाले हिस्से में ही जल रही है। वेट करते हैं 15 मिनट क्या होता है, काले काले दाने निकल करके आते हैं या नहीं। आई एम सो एक्साइटेड, क्या आप एक्साइटेड हो, फटाफट कमेंट करके बताओ काले दाने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, देखते हैं कितने लोग सही गेस मारते हैं। मैं आप 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, मुझे पूरी तरीके से सूख जाएगा। गाइस ये वाली स्किन बहुत मेरी जल रही है, खुजली हो रही है और जलन हो रही है पूरी, मन कर रहा है ऐसे ऐसे कर दूं, क्या लगा लिया यार, बाय। वाओ 15 मिनट्स हो गए हैं और 15 मिनट बाद भाई साहब मुझे पता ही नहीं था मेरी स्किन के अंदर इतनी गंदगी है, सारे ब्लैक हेड और सारा जर्म्स डर्ट सब बाहर निकल करके आ गया है। वाओ ऐसे ही दिखाया जाता है वीडियोस में, सारी वायरल वीडियोस में ऐसा ही दिखाया जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्टली, ये लगाने के बाद ऐसा असर देखने को मिलता है एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इसने कितने अच्छे से काम किया है। ऑल बुलशिट, क्योंकि ये मैंने चाय पत्ती को पीस करके लगाया है। सो एक्चुअल में वो लोग मास्क लगाने के बाद चिया सीड लेके ऐसे करते हैं, इस तरीके से वो हमें पागल बनाते हैं और हमें लगता है कि वाओ स्किन में क्या क्या काला काला निकल आया, डेड स्किन। इसको लगाए हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और कुछ नहीं निकला इसमें से, कोई काले काले दाने नहीं निकले मेरी स्किन पे, ये बस सूख गया और यहाँ बहुत ज्यादा इचिनेस और खुजली सी मुझे फील हो रही है। चलो मेरी गाल तक भी दिखाती हूँ कि मेरी स्किन क्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्लोइंग शाइनी सुपर स्मूथ हो गई, जैसा प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी इतनी अच्छी स्किन नहीं दिखती है, आई एम डैम श्योर कि नहीं होने वाला है, तो उनकी तरह करते हैं यार। एक बार में तो ये मास्क निकला भी जैसे वो एक बार में ही निकाल देते हैं, तो मैं एक बार फेस वॉश करती हूँ क्योंकि इससे तो ये नहीं हट रहा क्योंकि पूरी तरह से स्किन में चिपक चुका है ये मास्क, तो एक बार गीला करके फिर धोती हूँ, ठीक है आप बने रहो मेरे साथ। सो गाइस जिस तरीके का मैजिक वो अपने वायरल वीडियोस में दिखाते हैं वैसा मैजिक नहीं होता है, 650 रुपए खर्च करके अगर आप ये मास्क खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आप जो उम्मीदें रखोगे इससे कि आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू ऑल टू बाय दिस। सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्रीन मास्क फ्रॉड ये लोग करते कैसे है, या जो सिलिकॉन बेस्ड भी क्रीम लगाते हैं वो फ्रॉड कैसे करते हैं, आपको क्यों लगता है स्क्रीन पे कि पहले स्किन बुरी टेक्सचर में होती है और वो क्रीम लगाने के बाद स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथ बेस हो जाता है।
लगता है आपका, क्यों लगता है? ए, मेकअप, चेहरे के ऊपर पहले टेक्सचर वाला मेकअप क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा गंदी जानबूझ करके दिखाई जाती है और उसके बाद जब वो वाइप आउट करते हैं तो वहां पे मेकअप होता है या फिर फिल्टर्स होते हैं बहुत सारे, जिससे स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लगती है। और दूसरा ये है कि वो लोग एडिटिंग करते हैं और एडिटिंग में ब्लर इफेक्ट आता है। सो गाइस, यहां पे मैं आपको क्लोज शॉट दिखा रही हूं, आप फिंगर्स को देखिए किस तरीके से ब्लर इफेक्ट वहां फिंगर्स में भी दिख रहा है, चीक्स पे भी दिख रहा है, तो ये वाली ट्रिक वो यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी स्किन के हिस्से को ब्लर इफेक्ट करते हो ना, तो स्किन एकदम से स्मूथ दिखती है क्योंकि सारे इम्परफेक्शंस ब्लर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इस तरीके से वाइप आउट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम कॉर्नर से, एज से लेके वाइप आउट करेंगे और जब वो आपको मास्क में दिखाएंगे कहां से लगा हुआ है, तो वो इधर कोने में जरा सा लगा होता है। अगर आपने वाइप आउट यहां से किया है तो यहां से लगा हुआ होना चाहिए ना वो क्रीम जो ट्रांसफर हो जाता है टिश्यू पेपर के ऊपर, वो यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ होता। अब मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी और ये फॉल्ट मैंने उनका पकड़ा है, आप भी जरा देखिए और आपको पता चले। इंस्टेंट, इतना इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है कि स्किन के ऊपर लगाओ इतने सारे काले दाने निकल आए और स्किन एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो सारे जितने भी कॉस्मेटिक सर्जरीज लोग करते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं या स्किन के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, फिर तो उनको अपनी डिग्रीज जला देनी चाहिए अगर इतने में ही इतना फर्क हो जाता है। आई डोंट बिलीव इन दैट। फिर भी अगर आप अपनी स्किन टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हो तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ स्किन केयर रिजीम को फॉलो करो, DIY होम रेमेडीज ट्राई करो या ऐसे प्रोडक्ट्स लगाओ जो आपकी स्किन को सूट करे, अपनी स्किन को पहचानो ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन कौन सी स्किन है और कभी भी फेयरनेस के पीछे मत भागो। काले से गोरा होना इज नथिंग, आप जो हो जैसे हो परफेक्ट हो। स्किन को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है अंदर से बाहर से, उसके ऊपर ध्यान दो। आज टेस्ट करके देख लिया तो आपको ये ट्राई ना करना पड़े, इसीलिए आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखो हमारा रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कर दो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक का भी बटन हिट कर दो, ठीक है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो प्रिंसेस एंड रेखा वर्सेस प्रिंस की भी न्यू वीडियो आ गई है, सो गो एंड चेक दैट आउट। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।